बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, बच्चे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसी सब बातों को लेकर मेंटस एडु सर्व बिहार और झारखंड में ओपन सेमिनार का आयोजन कर रहा है एवं बच्चों को करियर के संबंध में जानकारी दे रहा है। इसी सब बातों को लेकर इस संस्थान के द्वारा दरभंगा के लहरियासराय में ओपन सेमिनार का आयोजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में इस ओपन सेमिनार में बच्चों ने भाग लिया। वहीं इस अवसर पर निजी शिक्षण संस्थान के जो शिक्षक हैं उन्होंने भी इस ओपन सेमिनार में भाग लेकर इस संस्था के बारे में जानकारी ली। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर कई निजी शिक्षण संस्थान के जो शिक्षक हैं उन्हें शॉल एवं मेमेंटो देकर स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में बच्चे ने इस ओपन सेमिनार में भाग लिया। वहीं अधिक जानकारी देते हुए इस संस्थान के जो वरीय शिक्षक हैं पंकज गोस्वामी, उन्होंने पूरी जानकारी दी। इन्होंने क्या कहा, क्या संस्था द्वारा बच्चों के करियर काउंसलिंग के लिए ओपन सेमिनार का आयोजन हो रहा है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। आपसे शेयर भी करेंगे कि हिंदी मीडियम में जो बच्चा पढ़ के आता है उसको इंजीनियरिंग या मेडिकल करने में समस्या ना हो, मेंटल रिसर्च के लिए क्या करना। तो बच्चे ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम से 10th पास किया, मेंटल सेट सर अपने पढ़ाई किया और आज देख सकते हैं किस आईआईटी में अपने पढ़ाई करते हैं। इसी से बच्चे ये वो बच्चे हैं, ये सारे वो बच्चे जो बिहार बोर्ड से पढ़ा, हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया और आज मेंटल सेट की तैयारी करके किस किस आईआईटी में है वो आप सब शेयर करें। इसी से ये टॉप मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे हैं वो भी आप सब शेयर करें। बच्चों आपको बताएंगे, अभी जस्ट मैट्रिक का रिजल्ट निकला, बिहार मैट्रिक का रिजल्ट निकला। देखिए बिहार और झारखंड में जितने भी बच्चे हैं मेंटर्स एडिसर ओपन सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिस सेमिनार का पर्पस ही है कि जो बिहार और झारखंड के बच्चे हैं जो अभी 10th पास कर रहे हैं, अभी 10th पास करके 11th में आ रहे हैं, या जो बच्चे अभी इंटर पास करके इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करने वाले हैं या इसके अलावा किसी भी दूसरे भी कैरियर में जाना चाहते हैं, तो मेंटर्स एडसब एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जो बिहार झारखंड का है वो पूरी जिम्मेवारी के साथ बच्चों के कैरियर काउंसलिंग के लिए, ताकि बच्चे को किस कौन सा कैरियर चुनना चाहिए और किस किस कैरियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी उसके पास है, इन सभी अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए कैरियर काउंसलिंग हर शहर में ऑर्गेनाइज कर रहा है, ताकि बच्चे जागरूक हो पाएँ, बच्चे को अपने कैरियर के बारे में जानकारी मिल पाए और अपने कैरियर के बारे में जानकारी लेके वो अच्छी कैरियर की तरफ जा पाए। तो मेंटर्स एंड सर इसी के लिए हर जिले में हर शहर में कैरियर काउंसलिंग का सेमिनार आयोजित कर रहा है। दरभंगा में कब ये होना है? दरभंगा में ये आज यानी कि 9 अप्रैल 2023 को ऑर्गेनाइज हुआ है और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे पूरे भीड़ जमा थी। अभी तो खैर धीरे धीरे बच्चे बाहर निकल रहे हैं, यानी और बच्चों का उत्साह देख के तो मन मंत्रमुग्ध हो गया कि बच्चे इतने उत्साहित हैं, बच्चे चाहते हैं कि हमारे कैरियर के बारे में लोग बताएं, और जब हमने उन्हें कैरियर के बारे में बताया तो बच्चे बहुत उत्साहित थे और बच्चों का जोश देख के लगा कि बच्चे अब लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं, यानी अब हमारा बिहार झारखंड एक्चुअली में बदल। मेरा दो प्रश्न है आपसे, बाहर में जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो कोर्सेज होते हैं या फिर जो आपके संस्था के द्वारा, कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता है कि इंग्लिश उनसे समझ से बाहर हो जाती है, तो क्या इसके लिए संस्था कुछ अलग से तैयारी कर रही है क्या? एकदम सही सवाल आपने पूछा है और सही जगह आपने पूछा है। हम मेंटर्स एडसर इस बात का बखूबी ध्यान रखते हैं कि वैसे बच्चे जिसने बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास किया है हिंदी मीडियम में पढ़ाई करके, उन बच्चों को इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करने में कोई समस्या भाषा ना बन पाए, इसके लिए हम लोग सेपरेट स्पेशल बैच लॉन्च किए हैं जिस बैच में सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ेंगे। उस बैच में हमारे टीचर्स मुख्यतः हिंदी में पढ़ाएंगे, उनको सारे असाइनमेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलेंगे, यानी कि उन बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में पढ़ के जो अभी आए हैं
उससे उसको इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी में कोई समस्या ना हो। मेंटर्स इटसेल्फ इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च किया है और बच्चे उस बैच में पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे, आप जैसा कि हमने अभी सेमिनार में दिखाया भी था कि बच्चे IIT में पास किए हैं और एम्स में पास किए हैं हिंदी मीडियम से टेंथ पढ़ने के बाद हमारे यहाँ 11-12 में इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी किए और आज IIT और मेडिकल इंस्टीट्यूट में। देखिए भाषा की आपने दुविधा दूर कर दी, पैसे की क्या दुविधा जो दूर होगी? देखिए मेंटर्स एडसर्व इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। मेंटर्स एडसर्व का सबसे मेन लाइन ही है कि अफोर्डेबल एजुकेशन विथ लोएस्ट कॉस्ट, यानी एकदम जो लोगों को एजुकेशन चाहिए एकदम लोएस्ट कॉस्ट में पॉसिबल हो सकता है, जो एकदम मिनिमम कॉस्ट में पॉसिबल हो सकता है, एफोर्डेबल यानी एक अच्छा एजुकेशन लोएस्ट कॉस्ट में, वही प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें हमारे यहाँ एकदम मिनिमम कॉस्ट ले आता है और टीचर्स आप देखेंगे तो एकदम जो इंडिया लेवल के टीचर होते हैं वो होते हैं, ताकि बच्चों को अच्छी पढ़ाई लोएस्ट कॉस्ट में मिल पाए। इनफैक्ट इसके अलावा मेंटर सर्टिफिकेशन में कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको बजाज फिनसर्व फाइनेंस करती है, जिससे उस बच्चों के लिए आर्थिक परेशानी समस्या ना बन पाए इंजीनियर या मेडिकल या डॉक्टर बनने में। बजाज फिनसर्व फाइनेंस करती है ताकि वो बच्चा मेंटर सर्टिस में पढ़ाई कर पाए और सबसे बड़ी बात 0% इंटरेस्ट पे, और गार्जियन बजाज फिनसर्व को विदाउट किसी इंटरेस्ट धीरे धीरे पैसा पे कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है? हाँ सर, हमारा जो अभी आपको बता दे, अभी जो अगले आने वाले 16 अप्रैल को है हमारा ACST यानी स्कॉलरशिप एडमिशन का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। जो बच्चा मेंटर्स में पढ़ाई करना चाहता है वो अगर चाहता है उनको बहुत छूट मिले तो उस टेस्ट में बैठे 16 अप्रैल 2023 को और बहुत सारा स्कॉलरशिप उसको मिल सकता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंकज गोस्वामी हुआ, सीनियर मैथमेटिक्स फैकल्टी मेंटर्स एडमिशन। थैंक यू।